हेलो हाय नमस्ते, दिस इज़ सुमी एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो अभी बज रहे हैं शाम के 4 और अपना व्लॉगिंग मैं शुरू कर रही हूँ अभी। और आज मैंने ठीक से खाना नहीं खाया था, मुझे लगी बहुत ज़ोर की भूख, लेकिन समझ नहीं आ रहा है कि मैं क्या खाऊं। और वैसे आजकल मैं कुछ दिनों से दोपहर में तरबूज खाना शुरू कर दी हूँ। वैसे भी तो मेरे को तरबूज बिल्कुल भी नहीं पसंद है, पर हाँ आजकल कुछ टाइम से मैं को अच्छा लगने लगा है। तो अभी मेरा मन था और पापा बेचारे इतनी धूप में गए हैं मेरे लिए तरबूज लेने के लिए। तो बताती हूँ आप लोगों को बाहर कितनी तेज़ धूप है। कितनी भयानक धूप है, अभी इतनी धूप में गए हैं पापा। पापा वैसे तो क्या 1:30 बजे ही जाने वाले थे, पर हमने ही मना कर दिया। पापा बोल रहे थे कि 1:30 बजे चलो लेके आते हैं मेरे को, तो फिर मम्मी बोली कि नहीं शाम में जाना, शाम में 3-4 बजे। तो अभी पापा गए हैं लेने के लिए, मैं भी जाने वाली थी, पापा बोले धूप में मत जा, तभी मैं नहीं गई। अभी मैं मम्मी की हेल्प करने के चक्कर में कूलर में पानी डाल रही थी, क्योंकि आज मुझे पाइप मिल गई थी, नहीं तो दूसरे दिन मुझे बाल्टी से डालना पड़ रहा था। तो फिर पाइप वो जो उसका शुरू वाला हिस्सा था वो फटा हुआ था और सारा पानी मुझ पे आके छीटा छीटा सा हो गया। और मुझे बाद में पता चला कि पापा जी आज सुबह पानी डाल चुके हैं सारे पौधे में, तो मेरा कोई काम नहीं है। तो बस मैंने कूलर में पानी भर दिया और कुछ भी नहीं करना है। और तो दिखाती हूँ, और अभी इस पे है हमारी छोटी छोटी सी मछलियाँ, लेकिन अभी पानी गंदा हो गया है इसलिए उसको भैया साफ कर रहे हैं। ये पानी साफ होगा फिर वो मछलियाँ दिखेंगी, वो सिर्फ खाने के टाइम पे दिखती है। और ये हमारा छोटा सा कमल, यहाँ पे हम लोग छोटा सा तालाब बनाने वाले हैं उन छोटी छोटी मछलियों के लिए, ताकि उनको और भी सारा स्पेस मिल जाए, फिर वो अच्छे से रह सकेंगे वहाँ पे। उस पर एक और बड़ी मछली थी, लगता है शायद एक बिल्ली आई और उसे ऐसे दबोच के चली गई। तो अभी मैं जाती हूँ अंदर, क्योंकि मेरा काम तो हो गया, मैं आगे भाग गई थी दरवाजे से आगे। पाइप मोड़ना पड़ेगा, तो पहले मैं पाइप मोड़ लेती हूँ, उसके बाद ही अंदर जाएंगे। आज मेरा पिज़्ज़ा खाने का मन था, तो वैसे भैया काफ़ी दिन से बोल रहे थे कि तू पिज़्ज़ा नहीं बना रही आजकल, तो आज मेरा पिज़्ज़ा खाने का मन था। तो अभी मैं पिज़्ज़ा बना रही थी और मैंने दाल चावल बना दिए थे, मम्मी बना रही है यहाँ पे सब्ज़ी। और यहाँ मेरा पिज़्ज़ा हो रहा है रेडी, और जब तक ये रेडी होती है तब तक अपन थोड़े पंखे में बैठ लेते हैं, क्योंकि मुझे लगी बहुत ज़ोर की गर्मी, थकती। पिज़्ज़ा बन भी गया और मैंने खा भी लिया, मैं तो बाद में वीडियो बना भी नहीं पाई। और हमारा खाना वाना भी हो गया है और अभी मैं फिर से हो चुकी हूँ रेडी, और अभी हम सब जा रहे हैं, मैं मम्मी पापा और फिर से मैंने भैया को मना लिया। तो हम जा रहे हैं आज अपने बरम किला में, जो हरि यज्ञ हो रहा है वहाँ वहाँ लगता है हरि हाट, मतलब हरि मेला। तो मैं वहाँ जाती हूँ और दिखाती हूँ। और वैसे वो 10 दिन का होता है, लेकिन आज इतने दिन हो गए, मैं आज जा रही हूँ और शायद 19 तारीख को ख़त्म भी हो जाएगा। तो आज हम लोग सोच रहे हैं कि आज जाते हैं घूम के। भैया का आज फिर से जाने का मूड नहीं था, तो मैंने उन्हें फिर से जिद कर लिया, और वो गुस्सा के तो नहीं, मान तो गए हैं, लेकिन उन्होंने कहा है तेको मेरी 5 ख्वाहिशें पूरी करनी पड़ेगी, मैं जब बोलूँगा जिस टाइम पर बोलूँगा तब। तो हाँ मैं हाँ मिलानी पड़ी, और अभी हम चलते हैं।
चल आगे जाएंगे फिर। ये रहा, ये डरी हुई छोटी। देख सकते यार, अच्छे से पकड़ना, अच्छे से पकड़ना। ये खिलाओ क्या? नहीं भैया नहीं। ये देखो उधर देख। नहीं। पर देखा कितना अच्छा दिख रहा है। उधर देख, उधर देख। खड़े कर दो तेरे को। अब फोटो खींचे, अटक जाएगा मजा में। मेरा है नीचे, खड़े होकर देखना। झूला वाले भैया पता नहीं क्यों लग रहा है, इनके दिन भर से कोई झूले पे झूला नहीं। इतना ज्यादा झूला दी, इतना ज्यादा झूला दी। एक तो हम लोग खाना खा के आए थे, बता छोटी कैसा लगा? मजा आया कि मैं झूले गई। मुझे इस झूले में बस मैं, भैया छोटी और मम्मी पापा, इसके अलावा और कोई भी ठीक है, पर कोई बात नहीं, मजा आया। और यहाँ पे भैया का बचपना शुरू। और ये क्या है? नहीं चलाऊंगी मैं। यहाँ बना मंदिर जाएगी। मम्मी बैठेगी, मम्मी और भैया। आपका स्वागत है। चले आइए भैया जी।